हेलो फ्रेंड, मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने गार्डनिंग चैनल पे। तो आज जो सामने आप ये लश ग्रीन का प्लांट देख रहे हैं, तो अधिकतर लोग समझ ही गए होंगे देख के बहुत ही फेमस प्लांट है। और क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे अरेका पाम बोलते हैं। और मेरे पास दो वेराइटीज़ हैं, टू नहीं इनफैक्ट तीन हैं। एक का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो डॉर्फ जो टेबल पाम होता है, और ये जो आप स्टैंड पे देख रहे हैं ये बिग वेराइटी है जो फुल साइज तक ग्रो होता है। और ये सेरामिक पॉट के नीचे जो है ये डॉर्फ वेराइटी है। तो मेरे पास फुल लेंथ ग्रोथ वाले दो हैं और ये एक प्लांट है। और इनकी नॉर्मली ये तीन से चार साल हो गए इनको मेरे पास। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पूरा बात करेंगे, इनकी केयर के बारे में और इनकी किस तरीके से देख रेख करते हैं, कैसे ये लश ग्रीन बने रहें, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला पौधा है। बस थोड़ी विंटर्स जहाँ पे बहुत अधिकतर जैसे 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वहाँ थोड़ा उसको दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी सर्वाइव करता है, प्लांट मरता नहीं है। बहुत सिंपल प्लांट है, 5 टिप्स आज आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पॉट से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे दो जो स्टैंड पे रखे हैं ये मेरे 14-14 इंची के गमले में लगे हैं, और नीचे जो फर्श पे है ये सिरेमिक पॉट में है। तो ये क्ले पॉट में भी चल जाएगा, प्लास्टिक के पॉट में भी चल जाएगा, सिरेमिक के पॉट में भी चल जाएगा। सबसे अच्छी बात है, मतलब बहुत ही फॉरगिविंग प्लांट है। आपको थोड़ी सी केयर करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ मैनेजमेंट पानी का सही रखेंगे, बहुत बढ़िया तीनों पॉट में बहुत अच्छे से चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। बस हाँ, ये आपको एक करना होगा, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा आपको थोड़ा इसकी रिपोर्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको पॉट थोड़ा सा बड़ा साइज आपको रखना पड़ेगा, या इसकी रूट्स को प्रून करते रहिएगा। अब जो ये नीचे डॉर्फ वाला रखा हुआ है ये डॉर्फ ही रहता है। तो ये आप नीचे से इसके स्टेम के पास से देख रहे होंगे बहुत सारे नीचे नए नए पक्स इसके निकल रहे हैं, तो ये ऐसे ही निकलते चले जाएंगे। तो इसको इतने ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो स्टैंड पे रखा हुआ है उसका मैंने शुरुआत से ही इसको इसी पॉट में लगाया हुआ है, तो ये इसी में ही अब कम से कम 5 साल तक इसकी कोई रिपोर्टिंग की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई इसके पॉट की बात। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सॉइल कैसी बनानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने ये बेसिक चीज आपकी इसकी सही कर ली तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इसको बिना किसी देखरेख के खाली पानी देते रहेंगे तो भी ऐसा बना रहेगा। तो 50% गार्डन सॉइल लेनी है आपको, जो आपकी गार्डन की मिट्टी होती है। 20% इसमें आपको सैंड लेना है, रेत होती है, या जहाँ दिल्ली साइड में बदरपुर कहते हैं उसको, या फिर कंपोस्ट ले सकते हैं आप। कोकोपीट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लास्टिक और सिरेमिक के पॉट में लगा रहे हैं तब आप उसमें कोकोपीट लेना अवॉइड करिए, क्योंकि कोकोपीट में क्या होता है, अधिकतर लोगों को ध्यान नहीं रहता है और उसमें पानी ज्यादा हो जाता है और कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड करता है, तो उससे इसकी जो रूट्स होंगी, स्टेम्स होंगी, वो गलने लगेंगी। तो आप अधिकतर इसको सैंड ही लीजिएगा। 50% गार्डन सॉइल हो गई, 20% सैंड हो गया, 15% आप इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो कंपोस्ट जो है आपकी घर की भी बन सकती है, और वर्मी कंपोस्ट जो है आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। और रिमेनिंग 50% में आप इसमें नीम खली मिला दीजिए, बोन डस्ट मिला दीजिए, अगर बोन डस्ट नहीं अवेलेबल है तो एक्सेल अंडे के छिलके मिला सकते हैं, और गाय का पुराना गोबर। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने साल में एक बार इसको इस मिट्टी में ये सब चीजें मिला दी, फिर आपको साल में खाली एक बार इसको फर्टिलाइज करना है। वो चाहे तो आप फरवरी मार्च का महीना सबसे अच्छा रहता है, मैं उसी टाइम इसको फर्टिलाइज करता हूँ, तो उसी टाइम आप इसको फर्टिलाइज कर दीजिएगा। बाकी अगर पूरे साल भर भी कोई फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो भी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, तो इसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सनलाइट की रिक्वायरमेंट। आप मेरा प्लांट देख रहे होंगे ये ब्राइट लाइट में रखा है, यहाँ पे कोई धूप नहीं आती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कितनी रोशनी है यहाँ पे, तो इसको ऐसा स्पॉट चाहिए। और मेरे पास दो प्लांट है तो मैं अल्टरनेटिवली इसको अंदर बाहर करता रहता हूँ। तो अंदर अगर आप इसे रख रहे हैं जहाँ लाइट कम है, या ड्राइंग रूम में है किसी फेस्टिवल किसी ओकेजन पे, तो आप 15 डेज रखिए, 15 डेज बाद इसको इस दूसरे प्लांट के साथ रोटेट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी प्लांट बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए अंदर नहीं रह सकता है, फिर वो प्लांट बहुत आपका डल होने लगेगा और
हो सकता है उसकी केयर ना होने की वजह से, लाइट ना मिलने की वजह से वो मर भी जाए। तो इसको इस तरीके का ब्राइट स्पॉट दीजिएगा। डायरेक्ट लाइट अगर आप आएगी तो आप इसकी देखेंगे टिप्स ब्राउन होने लगेंगी या येल्लो होने लगेंगी, तो वो इसमें समस्या आ सकती है। और अगर ओपन सन में रखना है तो अगर ये जमीन में लगा है तब तो ओपन सन में चल जाएगा, लेकिन ये ओपन सन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, स्पेशली मई जून की धूप और बारिश के बाद की जो धूप होती है अगस्त सितंबर की, तो वो ये प्लांट को पूरा येल्लो कर देगी। तो उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पे आते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है, जैसे ब्राउन लीफ होने लगती है, ब्लैक स्पॉट होने लगते हैं या येल्लो, इसकी टिप्स ब्राउन और येल्लो होने लगती है। तो ब्राउन और येल्लो होने का कारण है वॉटरिंग का, या तो आप बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं या तो बहुत कम पानी दे रहे हैं, या फिर पानी देने के जो इंटरवल होते हैं बीच में उसमें बहुत ज्यादा गैपिंग हो रही है। कि मान लीजिए आपने 3 दिन तक पानी नहीं दिया, पानी बिल्कुल मुरझा, वो आपका पेड़ बिल्कुल मुरझा गया, फिर आपने एकदम से खुद सारा पानी दे दिया, फिर 1 हफ्ते पानी नहीं दिया, तो ये नहीं करना है। देखिए जिस तरीके से हम लोग होते हैं, हम लोग की भी एक हर इंटरवल पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतना खाना पानी, ऐसे ही प्लांट्स हैं क्योंकि ये भी लिविंग बींग्स हैं, तो एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। कभी कभी नहीं मैनेज हो पाता है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला ये बहुत फॉरगिविंग प्लांट है, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही इसको मारने पे के पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे इसको मार रही है, तो फिर कोई उसका सलूशन नहीं है। तो पानी का ध्यान रखिएगा, इरेगुलर वाटरिंग मत करिएगा, तो उससे आपकी लीव्स, आपकी इसकी जो टिप्स हैं लीव्स की, वो ना ब्राउन पड़ेंगी ना येल्लो पड़ेंगी। और गर्मियों में जैसे मई जून का है, तो मैं इसमें सवेरे और शाम को पानी का स्प्रे कर देता हूँ ताकि इसको ठंडक रहे, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, बहुत ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। 40-50% ह्यूमिडिटी अगर होनी चाहिए तो उसको अच्छा रहता है, इसीलिए मॉनसून में बहुत अच्छा होता है। और ब्लैक स्पॉट कभी कभी पड़ जाते हैं इसके स्टेम पे, तो वो फंगस होती है अधिकतर, कभी कभी सॉइल में पानी ज्यादा हो जाता है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए मैं आपको कुछ कारण, ये जो मेन कारण होते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कभी कभी मेरे सामने भी आते हैं तो हम लोग उसको समझ नहीं पाते, तो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ही हम लोग कर करके सीखते हैं, आप लोग भी ऐसे सीखेंगे। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो कवर कर रहा हूँ, बाकी कभी कोई ऐसी समस्या आती है तो मैं आपसे सीख सकता हूँ और आप हमसे सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक जरिया है एक दूसरे से सीखने का, तो आप कमेंट सेक्शन में उन चीज़ों को डाल के पूछ सकते हैं। तो मैं फंगस की बात कर रहा था, ब्लैक स्पॉट के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया नीम ऑयल और सोप सोल्यूशन है। 1 लीटर, इसमें 1 लीटर का मेरा पूरा वो पानी लग जाता है, और उसमें 1 लीटर में मैं 1 टीस्पून जो लिक्विड सोप आता है, लिक्विड डिटर्जेंट वाला, उसमें डाल के हर 15 दिन में नियम है स्प्रे करना। अगर आप नहीं 15 दिन में तो 1 महीने में तो जरूरी करिए, ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे, उससे आपके प्लांट में कुछ भी कभी भी रोग नहीं लगेगा। और फिफ्थ पॉइंट आते हैं आखिरी पॉइंट पे, वो कि इसकी ह्यूमिडिटी की क्या रिक्वायरमेंट है और इसको किस तरीके से ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें। तो इसकी ह्यूमिडिटी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप आजकल ह्यूमिडिफायर्स बहुत आ गए हैं, आप अमेजोन वगैरह पे देखेंगे, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको जरूर से मंगवा सकते हैं। मैंने तो नहीं यहाँ पे लगवाया हुआ है, हालांकि यूपी में बहुत गर्मी है इस टाइम भी, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप मिस्टिंग करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मिस्टिंग से आपका काम हो जाएगा। बाकी मल्चिंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने इस पे मल्चिंग मिट्टी पे इसलिए नहीं करी हुई है क्योंकि मेरे शेड में और डायरेक्ट सन में नहीं है। तो सन में इसको अगर आप सवेरे का 2 घंटे का भी मिल जाता है 10 बजे तक का, तो ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मल्चिंग इसमें करनी पड़ेगी, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी एज सच कोई डिमांडिंग प्लांट नहीं है, बहुत सिंपल प्लांट है। और आप देख रहे होंगे कि ये डॉर्फ वाला भी, अगर आप इतना बड़ा अगर स्पेस नहीं है, आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, तो ये डॉर्फ वाला भी लगा सकते हैं, और एक टेबल पाम भी आता है, तो वो टेबल पाम का केयर का वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, लगभग सेम ही केयर है। तो आप ये डॉर्फ भी देखिए कितना अच्छे से मेरा चल रहा है, इसको 2 साल हुए हैं और इनको मैंने बताई दिया था 3 से 4 साल हुए हैं दोनों को, जो फुल लेंथ वाले पाम है। तो बस यही आपको छोटी छोटी सी चीजें बतानी थी, थोड़ा उसको अच्छे से रखिएगा, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, बहुत लंबे समय के लिए चलता है। बाकी अगर कोई भी आपको कोई और इसके अलावा कोई इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी आपकी मदद करने की। और सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।